हेलो फ्रेंड्स सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है सो फर्स्ट फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इन शॉर्ट फीफो भी कहते हैं इट इज इजी टू इंप्लीमेंट हाउ बिकॉज इट सेलेक्ट्स पेजेस फॉर रिप्लेसमेंट दैट हैज़ बीन इन मेमोरी द लॉन्गेस्ट टाइम जो पेजेस मेमोरी में लॉन्गेस्ट टाइम से हैं बने हुए हैं ऐसे पेजेस को फीफो रिप्लेस करता है और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ओल्डेस्ट पेज इन मेमोरी इज सेलेक्टेड फॉर रिप्लेसमेंट जो सबसे पुराने पेजेस होंगे वो उसे रिप्लेस करेगा इसके लिए ये एक लिस्ट बना के रखता है जिसकी एक हेड होती है एक टेल होती है हेड से पेजेस एंटर करते हैं वन बाई वन एंटर होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और टेल में जैसे ही आते हैं तो वो रिमूव होते जाते हैं सो so, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम सपोज ये एक रेफरेंस स्ट्रिंग है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस हम मान सकते हैं दिया हुआ है जिस पेजेस uh, को एक्सेस करना है वो यहाँ दी हुई हैं नो पेज फ्रेम्स दिया है या नंबर ऑफ पेजेस दिया है इट मीन्स फोर मीन्स एट ए टाइम मेन मेमोरी या कैश मेमोरी जिसमें भी हम निकाल रहे हैं उसमें फोर नंबर ऑफ पेजेस एक साथ स्टोर हो सकते हैं यहाँ कर सो so, यही है पेज फ्रेम साइज जो कि फोर दी हुई है अब हम ऐसा सॉल्व करते हैं ये कैसे सॉल्व होगा सो so, सबसे पहले हम देखेंगे अगर पेज जीरो को एक्सेस करता है तो आप देख रहे हैं इनिशियली यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं है सो so, यहाँ पर क्या करोगा पेज फॉल्ट करोगा वाई बिकॉज पेज जीरो इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी राइट नाउ सो इसलिए अब हम उसे यहाँ ला के स्टोर कर देंगे क्योंकि सी पी ओ सबसे पहले मेन मेमोरी में एक्सेस करता है अगर पेजेस उसे वहाँ नहीं मिलते हैं देन वो कहाँ जाता है हार्ड डिस्क में जाता है ठीक है so, सो यहाँ प्रेजेंट नहीं था इसलिए उसकी एक कॉपी हमें ला के मेन मेमोरी में स्टोर करनी पड़ी सेकेंडरी मेमोरी से नाउ नेक्स्ट पेज जो एक्सेस करना चाह रहा है वो टू सो करेंटली हमारे पास जीरो तो प्रेजेंट है बट टू प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स अगेन पेज फॉल्ट अगर होगा पेज फॉल्ट को हम सिंपली मिस भी बोल सकते हैं समझने के लिए बट पेजिंग के टर्म्स में अगर बात करें तो इसे कहते हैं पेज फॉल्ट सो इन शॉर्ट हम पेज फॉल्ट लिख रहे हैं सो so अब टू के लिए पेज फॉल्ट तो अकर हुआ अब टू आके स्टोर हो जाएगा जीरो के बाद एक बार पेज फॉल्ट अगर हो गया इट मीन्स उसे हमें ऑक्सलरी से ला के सेकेंडरी से ला के स्टोर करना पड़ेगा मेमोरी में नेक्स्ट नंबर है वन क्या वन आपको प्रेजेंट दिख रहा है प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स यहाँ पे भी पेज फॉल्ट अकर होगा तो ज़ीरो टू के बाद आ गया वन नेक्स्ट है सिक्स क्या सिक्स प्रेजेंट है मेमोरी में सिक्स भी प्रेजेंट नहीं है पेज फॉल्टअर हुआ जीरो टू वन एंड सिक्स उसके बाद आ गया नेक्स्ट नंबर है फोर सो फोर यहाँ प्रेजेंट नहीं दिख रहा इट मीन्स पेज फॉल्टअकर होगा और अब फोर कहाँ आके स्टोर होगा बिकॉज यहाँ तो फुल है तो इट मीन्स यहाँ पे अब हमें फी पेज रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा और इन चारों में से कोई एक यहाँ से रिमूव होगा उसकी जगह फोर आके स्टोर हो जाएगा अब कौन सा पेज रिमूव होगा बिकॉज ओल्डेस्ट पेज इन चारों में से कौन है जीरो इज द ओल्डेस्ट पेज जो कि मेमोरी में है सो so, हम जीरो को रिप्लेस करके जीरो की जगह क्या रखेंगे फोर रख देंगे और रेस्ट पेजेस एज इट इज अपनी लोकेशन पे रहेंगे तो so, ये हो गया फीफो पेज रिप्लेसमेंट का तरीका नेक्स्ट है जीरो क्या जीरो यहाँ प्रेजेंट है प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स यहां पर भी पेज फोल्डर करगा और जीरो किस रिप्लेस करके आके स्टोर होगा बिकॉज जीरो के बाद कौन आया था यहाँ टू तो यहाँ टू इन चारों में से सबसे ओल्डेस्ट है तो टू को हम रिप्लेस करके टू की जगह क्या रख देंगे जीरो नेक्स्ट एज इट इज बाकी फोर वन सिक्स वैसे ही रहेंगे नेक्स्ट पेज नंबर है वन वन आपको दिख रहा है यहाँ प्रेजेंट है इट मींस यहां पे हिट होगा ओके okay? जीरो भी यहां प्रेजेंट है इट मीन्स यहां हिट होगा नेक्स्ट पेज इज थ्री क्या थ्री यहां प्रेजेंट है नो इट इज नॉट प्रेजेंट तो यहां क्या होगा पेज फॉल्ट अगर होगा और इन चारों में से कोई एक पेज रिप्लेस होगा अब कौन सा पेज रिप्लेस होगा सबसे ओल्डेस्ट कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है वन वन इज द ओल्डेस्ट वन क्योंकि जीरो टू के बाद आया था वन तो वन सबसे ओल्डेस्ट है तो so, वन की जगह अब हम क्या कर देंगे थ्री डाल देंगे नो एज इट इज बाकी फोर जीरो सिक्स वही रहेंगे नेक्स्ट नंबर है वन को हमें एक्सेस करना है तो वन प्रेजेंट है क्या नहीं अभी हमने डिलीट किया जस्ट बट अब क्योंकि वो नहीं है तो अगेन पेज फॉल्ट अगर होगा सो so, अब इन चारों में से फिर से किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा जिसमें सबसे ओल्डेस्ट है सिक्स तो सिक्स की बदले हम यहाँ क्या ले आएंगे वन ले आएंगे और बाकी क्या है एज इट इज फोर जीरो एंड थ्री नेक्स्ट नंबर इज टू क्या टू प्रेजेंट दिख रहा है आपको नो no. टू भी प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स पेज फॉल्ट अकर हुआ अब इन चारों में से कौन सा रिमूव होगा सबसे ओल्डेस्ट पेज कौन सा है बिकॉज फोर सबसे ओल्डेस्ट है इसलिए अब इसकी जगह आ गया टू बाकी एज इट इज रहेंगे नेक्स्ट वन वन को एक्सेस करेगा तो यहाँ पे हिट आकर होगा सो ये इस तरीके से हमें निकालना पड़ता है ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछता है न इसके साथ साथ पूछा जाता है कि वट इज द पेज फॉल्ट रेट जिसे अदर टर्म्स में हम मिस रेशियो भी कहते हैं ठीक है मिस रेशियो क्या है या फिर ये समटाइम्स पूछता है कि हिट रेशियो क्या है अब इसे कैसे निकालना है ठीक है इसे निकालने के लिए सबसे हमें मालूम है सबसे पहले मालूम है टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं नंबर ऑफ पेज फॉल्स पेज फॉल्स कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन पेज फॉल्स हैं ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है और यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं ये भी निकाल के रख लेते हैं वन टू एंड थ्री नंबर ऑफ हिट्स हैं ठीक है थीके? तो अगर आपको पेज फॉल्ट अगर आपको पेज फॉल्ट रेट निकालने के लिए बोलता है तो पेज फॉल्ट रेट कैसे निकालेंगे हम मिस रेशियो कैसे निकालते थे नंबर ऑफ मिस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ हिड्स प्लस मिस सो हमारा टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्स कितने हैं नाइन टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्स हैं और टोटल पेजेस कितने हैं ट्वेल्व सो नाइन बाई ट्वेल्व निकल गया इसे आप पॉइंट सेवन फाइव इस फॉर्म में निकाल सकते हैं अब हिट रेशियो अगर निकालने बोलता है तो हमें हिट रेशियो पता है वट इज़ द हिट रेशियो इट इज़ नंबर ऑफ़ हिट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ हिट्स प्लस मिस सो टोटल नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं वन टू थ्री हैं तो थ्री डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे कितने हैं ट्वेल्व सो ये निकल गया थ्री बाई ट्व दैट इज पॉइंट टू फाइव सो इस तरीके से मैंने में पूछता आई द इट विल्स पेज फॉल्ट रेट और इट विल विलस्ट द हिट रेशियो तो so, उसके लिए आपको ये कंप्लीट इसको सॉल्व करने से पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं और इसके हिसाब से आपको दोनों निकल जाएंगे सो दिस इज अ फी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम थैंक यू सो मच